क्या बोल दिया पब्लिक, अबे लौड़े अपना काम कर। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? निकाल दिया जी पता ही नहीं चला। हरामी हो बेटा, हम तो 1.5-2 महीने गायब थे। वाह क्या गांडू है। थोड़ा बहुत मसरूफ हूँ यार। नहीं, और मैंने आज नदीम नानी वाली की वीडियो देखी, वो भी रोस्टिंग शुरू कर रहा है। फिर हम लोग तो छुट्टी कर लेते हैं बेंच। वेट अ मिनट, हु आर यू? हमारी कोई देखता ही नहीं है रोस्टिंग। जन्म हो जा सारा आंड्रा कभी टायर दी दो सन टांडा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है नदीम भाई, आप आ गए हो रोस्टिंग में, हमें अच्छा लगेगा। टिकटॉकर भी हमारी तरफ चीचे चले आ रहे हैं, उन लोगों को भी पता चल रहा है। पता नहीं रोस्टिंग में आजकल क्या देख रहा है यार, कोई यार बन रहा है यार, कोई मुझे मसला नहीं है यार बने यार को, लेकिन अपना कुछ बन जाए इस रोस्टिंग में यार, देते तो सबसे हटके है ना। और दूसरा टॉपिक जो है ना यार, मैंने बोला कैसे थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं यार। मतलब ब्रो मेरी बात सुन यार, मैं ना ढकी का साथ दे रहा हूँ ना तेरा ना कुछ, मुझे जो दिख रहा है, मैं जो चीज नोटिस कर रहा मैं वही बोलूंगा कि मतलब ब्रो मत करो यार। देख अगर कोई एडिटर या यूट्यूबर होगा ना, वो समझ जाएगा जो तू वीडियो में प्रूफ दे रहा होता है ना, वो यार तू कट करके उसका दूसरी तरफ रुख दे रहा होता है बातों को। एक बात बंदा करते है उसका मतलब हजार निकलते हैं, तो तू उसको अपनी वीडियो में ना दूसरी तरफ रुख दे देता है यार, क्यों कर रहा है ऐसे? इसमें ना तेरा ही नुकसान है। मैं तेरी वीडियो देखता था और बहुत ही पसंद करता था, लेकिन यार अभी भी करता हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन मुझे आपका ना वो मसला ये लग रहा है कि अफगानिस्तान वाला आपका हाल होगा, फिर आपको ये समझ ये लगेगा कि यार मैं एक नया चैनल बनाऊँ उसको सर से स्टार्ट करूँ, ये नहीं ऑडियंस खराब हो जाएगी, क्योंकि आजकल वो जमाना ना इतना समझदार तो बंदा खुद भी होते, तुम खुद को साबित करने में लगे हो मैं सच्चा हूँ मैं अच्छा हूँ मैं सच्चा हूँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन लोगों को पता चल जाते कौन सच्चा है कौन अच्छा है। छोड़ो यार इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो, उसकी फैमिली में जा रहे हो यार, अगर वो खुद को सुधारना चाह रहे हो तो उसको सुधारने दो ना। सोशल मीडिया पे होता भी ऐसे, अभी तुम वो कौन है वो उमर भट्ट के साथ लगे हुए हो, नानी वाले के साथ मंगे ले रहे हो, डक्की भाई उसकी इतनी फोन पे, उसको छोड़ दो, लेकिन वो गलत ही नहीं है तो फिर तुम उसको गलत ही साबित कर रहे हो, तो इसमें भाई तेरा अपना नुकसान है। बाकी तू देख ले अगर अपना करियर की माँ की बहन करना चाहता है तो भाई तेरा अपना ही काम है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर मेरी वीडियो तो पहले तो तेरे तक आएगी नहीं, क्योंकि इतनी वायरल नहीं हूँ मैं और इतना मेरा वो सिस्टम है। अगर आ जाते तो भाई मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी, बस चुपचाप होके इस मसले को अच्छे तरीके से हल कर यार। ये आजकल चल क्या रहा है यार बहनचोद, मैंने जब ये वीडियो थोड़े यूट्यूब पे आए देखो तो क्या हो गया यार, खुद की रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, तुम एक दूसरों को गांड लेने में लगे हुए हो। यही मसला है ना पाकिस्तानी यूट्यूबरों का, एक दूसरों का साथ नहीं देते, एक दूसरे के मारने में लगे रहते हो। अगर थोड़ा बहुत एक दूसरे का साथ दोगे तो आगे तुम भी बढ़ोगे वो भी बढ़ेगा। नहीं बैंच एक दूसरों की गांड मारनी है मार लो बैंच खुद, इससे दूसरों के मारते मारते अपने खुद ना चुप जाओ। बाकी मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, बहुत गंदी गंदी रोस्टिंग की है। पहले तो मैं कोशिश करता हूँ परमिशन लूँ, लेकिन मेरी इतनी वैल्यू ही नहीं है, कोई मुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं करता। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी वीडियो से मसला होता है तो मैं वो वीडियो भी एडिट कर दूंगा, अगर नहीं हुई तो वो मैं हटा दूंगा मैंने, अगर आप लोगों की क्लिप आपकी परमिशन के बगैर यूज किया या कुछ किया। मैं जानता हूँ आप भी सोशल मीडिया यूज, अगर किसी को मसला होता भी है तो यार मुझसे रब्ता करने में वीडियो हटा दूंगा। यही सोशल मीडिया का यार एक तरीका होता है, एक तरीके कैसे चलना होता है। अगर मैं रोस्टिंग करता हूँ ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इतना पर्सनल ना हो। अगर माँ माए बहन की गाली भी देता हूँ तो मैं पर्सनल होकर नहीं देता, ऐसे जैसे कि बोला आप माँ दर्चो यार बहन की लोड़े ये ऐसे ही दे देता हूँ, ऐसे पर्सनल नहीं होते, तेरी बहन ऐसी है तेरी माँ ऐसी है, ऐसे मैं पर्सनल नहीं होता फुल। ये देखिए समझ रहे हो ना, समझा करो यार बात को। अगर मेरी बात किसी को फिर भी बुरा लग रहा है तो यार मैसेज कर दो, मैं वीडियो हटा, कोई मसला नहीं है मुझे। एक मैं बताता हूँ, एक इंडियन यूट्यूबर है, किसिंग प्रैंक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई मुझे परमिशन दे दो, मैं आपके वीडियो में कुछ क्लिप यूज कर रहा हूँ, आपके ऊपर ऐसी वीडियो निकाल रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं दी। फिर मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी थी तो मुझे 3 महीने बाद रिप्लाई देता है भाई, और मेरी अब तक की वो सबसे वायरल वीडियो वही थी। तो मुझे एक दिन मैसेज आता है कि हाँ भाई बोलो क्या बात है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई ऐसे मैंने आपका कंटेंट यूज किया, आप इजाजत दें तो मैं इसको, मैंने वीडियो तो अपलोड कर दिया, अगर आप चाहें तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता, नहीं तो अगर आपको कोई मसला है मैं उसको प्राइवेट कर देता हूँ या हटा देता हूँ। उसने बोला कि यार लिंक भेज दो, तो मैंने उसको लिंक शेयर किया, तो उसको मैंने जैसे लिंक शेयर किया तो उसने देखी तो उसने बोला कि भाई इसको डिलीट कर दो। मैंने उसको बोला भाई देख लो सोशल मीडिया आप भी यूज कर चुके हो, आप भी यूजर हो, थोड़ा बहुत समझो, बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट मेरा वायरल जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसने बोला कि भाई मसला नहीं है आप यूज कर लेते, मैं आपको इजाजत भी दे देता, लेकिन ये मेरा फैमिली का इशू बन रहा है अब ये हटा दो। मैंने खुद भी ऐसी सारी अपनी वीडियो हटा दी, तो फिर मैं उसकी बात को समझा और मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। अब आप लोगों को वो किसिंग प्रैंक्स वाली निब्बा निब्बी वाली मेरी वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, क्यों? क्योंकि यार उस प्रॉब्लम बन रही थी तो फिर मैंने हटा दी। तो भाई सोशल मीडिया पे एक तरीके के साथ चलो, एक तो एक दूसरे की गांड मारने में लगे हुए बस टपा टप टपा टप, बहन जो फिनाना ऐसा है उसकी बीवी ऐसी है उसकी बहन ऐसी है उसकी फिनान का उसकी माँ ऐसी। अबे यार ठीक है मैं भी अच्छा नहीं हूँ बहन, मैं भी गालियां देता हूँ, लेकिन यार अगर कोई बोल दे मुझे कि यार ऐसा हो गया तो मैं भाई उसको तरीके के साथ हल करूंगा कि हाँ यार भाई मुझसे गलती हुई मैंने गाली दी है। अगर किसी ऐसे लड़के को भी बुरी लगती है, अगर किसी लड़की हुई मेरी बात बुरी लगती है, सोशल मीडिया है ना बहन चुप पता नहीं क्या क्या बंदा बोल देता है उसमें।
लेकिन अगर फिर भी किसी को मेरा कुछ भी गलत लगता है आप लोगों के ऊपर मैंने बोला है तो आप बोल दो, मैं उसको तरीके के साथ हल करेंगे, मैं उसको हटा दूंगा। बाकी ये भेड़ यज्ञ मुझसे नहीं होती कि फिनाने की बीवी ऐसी है, उसका रेट इतना है, ये टिकटॉकर भेड़ की लोरी है वो ये, यार ये नहीं होता हमसे, इतना लड़ेगा कौन। बस ठीक है ना, मुझसे गलती हुई मैंने गाली दिया, मैंने गाली दिया गलती हुई तो भाई माफी भी मांग लूंगा, और अगर कॉन्टेंट हटाना हो तो वो भी हटा दूंगा। यार प्यार मोहब्बत से रहो, नहीं मारनी है। चलो देख लो, हर कोई अपना दिमाग रखता है, हर कोई हमसे ज्यादा समझदार स्मार्ट है, अच्छा सोचता है, हम क्या बोल हमारी बातों का लाना सर होगा इन पे। तो बस ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो फिर भी बोल रहा हूँ सॉरी सॉरी सॉरी। सोशल मीडिया पे आजकल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर टिकटॉकर की हालात बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, फुल बैन एक वाला पार्ट शुरू है, क्या पता। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।